हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए मिस्सी रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जो मिस्सी रोटी होती है ना, वो हमेशा दाल से बनती है। दाल या बेसन, बेसन भी एक तरीके से चने की दाल का ही पाउडर फॉर्म है। तो इसलिए हमेशा मिस्सी रोटी हमेशा जो है वो दाल से ही बनती है। तो जो हमने आज दाल ली है, वो कल की बनी हुई दाल थी। मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल पड़ी हुई है, तो मैंने वो ले ली है। और लेफ्ट ओवर दाल लेने से एक ये फ़ायदा रहता है कि मिस्सी रोटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे जो अभी उबाल के लोगे दाल, उससे बेहतर तड़की हुई जो दाल हो एक दिन पहले की, उसकी रोटियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसलिए मैंने कल की पड़ी हुई दाल ले ली है। मूंग की धुली दाल, उसके साथ मैंने ले लिया आटा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि मूंग की धुली दाल ही लीजिए। आप कोई भी दाल आपके पास जो उबली हुई पड़ी हो एक दिन पहले की, वो आप ले सकते हो। उसके साथ मैंने आटा ले लिया। आटे के साथ नमक, गरम मसाला, और उसके साथ ले लिया मैंने जीरा और अजवाइन। और अजवाइन के साथ मैंने ले लिया मिर्ची दो कटी हुई बारीक, और उसके साथ ले लिया मैंने प्याज। प्याज देख लीजिए, मैंने बिल्कुल पतले पतले और लंबे लंबे काट लीजिए, वैसे ही आप काट लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, मिस्सी रोटी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे। तो सबसे पहले बर्तन में हम क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी दाल डाल देंगे, लेफ्ट ओवर दाल जो थी कल की। अब इसके अंदर जाएंगे आपके प्याज बारीक कटे, अच्छे से इसको डाल दीजिए। अब प्याज के बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले जाएगा आपका जीरा, जीरे के बाद जाएगा अजवाइन, अजवाइन के बाद जाएंगी मिर्ची, मिर्ची के बाद जाएगा गरम मसाला, और उसके बाद नमक। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर जाएगा आपका आटा। आटा एक काम कीजिएगा, एक ही बारी में सारा मत डालिएगा, थोड़ा डालिएगा पहले और मिक्स करते जाइए साथ साथ, ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैं जैसे इसको आटे के साथ मिक्स कर रही हूँ, अब आप देख सकते हैं अभी भी आपका आटे में जो दाल की रेशो है वो ज़्यादा है। तो इसमें फिर से आटा लीजिए और डालिए, और इसको ऐसे ही मिक्स कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी दाल के आटे, दाल से ही आटा अपना गुनना है। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, आपकी दाल ऑलरेडी पानी वाली ही है। बस इसकी हेल्प से ही अच्छे से अपना आटा बनाइए, जैसे कि आप चपाती के लिए बनाते हो। देखिए, अच्छे से इसको आटे को मस लिए। मैंने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, एक बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, अब जो हमारा आटा है वो लग भी चुका है। एक बार फिर से इसको अच्छे से नीट कर लेंगे, अच्छे से एक बार और नीट कर लेंगे। अब देखो, आटा बन रहा है। तो जो आपका आटा है वो लग चुका है। ये जो आटा होगा ये ज़्यादा बड़ा हार्ड नहीं होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट ही होगा, तो इसकी रोटियां अच्छी बनेंगी। ये मत सोचिएगा कि ये सॉफ्ट है तो इसकी रोटियां नहीं बनेंगी, इसकी रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी, मैं आपको बताऊंगी। अब इस आटे को ऐसे ही रहने देते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी रोटियां बना लेंगे। तो आटा लग भी चुका है और 5 मिनट इसने रेस्ट भी कर लिया आटे ने। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अपना आटा लीजिए, ये देखिए जो हमारा आटा, अब हम इसको एक बर्तन के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब हम इसको इस्तेमाल करके इसकी रोटियां बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने दाल वाले आटे का एक पेड़ा ले लेंगे छोटा सा, ये देखिए मैं ले लिया। उसको अब मैं रोल करूंगी, और अब आप देख सकते हैं जो मेरा आटा है वो चिपक रहा है मेरे हाथ के साथ। क्यों? क्योंकि ये अभी गीला आटा है। तो इसको अच्छे से सुखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सूखे आटे में अच्छे से लपेटेंगे। अच्छे से डालिएगा और अच्छे से लपेट लीजिए। और लपेटने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चकला होता है उस पर अच्छे से सूखा आटा डाल के, उसके बाद हम अपने आटे को, दाल वाले आटे को अच्छे से फैला लेंगे और बेल लेंगे अच्छे से। अब अपने हाथों से उठाएंगे, ये देखिए हमारा जो आटा है
दाल वाली रोटी है बन गई है। अब हम इसको अपने तवे पे डाल देंगे। तवे जो है वो मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया था, अब इस पर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पहले हम इसको एक साइड से अच्छे से पकने देंगे, फिर इसको उल्टा के दूसरी साइड से पकाएंगे। अब एक साइड से पक चुका है, अब हम इसको उल्टा के दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और जब तक दूसरी साइड से पक रहा है हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा, और ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से हर कॉर्नर पे अच्छे से ऑयल फैला दीजिएगा। जितने अच्छे से आप ऑयल लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी परोंठी बनेगी, दाल वाली रोटी बनेगी। लगा लीजिएगा, जब तक आप ऑयल फैला रहे हैं तब तक आपकी जो दूसरी साइड है वो अच्छे से पक जाएगी। अब हम दूसरी साइड भी पक चुकी है, अब हम इसको पलटा लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम दूसरी साइड, जब तक आपका दूसरी साइड से अच्छे से पक रहा है परौंठा, आप इस साइड भी ऑयल डाल के फैला लीजिए। अब आप देख सकते हैं बबल्स आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वो दूसरी साइड से पक चुका है। इसी टाइम पे आप क्या करोगे, अच्छे से पहले तो एक कॉर्नर्स को अच्छे से पका लीजिए। अब हम इसको टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद इस साइड से भी पका लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं हम कितना अच्छा कलर आया है, ब्राउन कलर। ऐसा ही परौंठा खाने में टेस्टी लगता है। हम दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेते हैं। तो हमारा जो परौंठा है वो दूसरी साइड से भी पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ऑयल निकाल लेंगे, ताकि एक्सेस ऑयल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। निकालने के बाद ये हमारा रेडी टू सर्व है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये अब आपका परौंठा रेडी हो चुका है, दाल वाली रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बट्टे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो चाय के साथ या कर्ड के साथ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को।